महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जनों, देवियों और मित्रों का। मैं सर्वप्रथम तो मेरे पिता तुल्य श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी उर्फ तुफैल चतुर्वेदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक अंधेरे से निकाल करके एक ऐसे अथाह प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मैं आप जैसे हीरे और नगीने देखता हूँ। और इनका स्पेशल धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि वर्ष 2018 के अंत में जब मैंने ये घोषणा की कि आज से मैं मुस्लिम नहीं हूँ और मैं इस्लाम धर्म को नहीं मानता, तो उसके बाद से काफ़ी समय तक मैं छुप कर के काम करता रहा, क्योंकि जैसा कि दादा ने बताया कि एक मुर्तद को ये कहने की इजाज़त कतई नहीं है कि आप 1400 वर्ष पूर्व आए एक, माफ़ी चाहता हूँ ऐसे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, माताएं बहनें भी हैं लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे पास ऐसे ही वक्त, ऐसे ही जो वर्ड्स हैं, ऐसे ही शब्द हैं क्योंकि उसके कृत्य ऐसे हैं। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है और उनको केवल इस्तेमाल की, प्रयोग करने की वस्तु समझता है और उनको मारना और पीटना अपनी मर्दानगी समझता है। जब ये चीज़ें मैंने गौर की तब तो मुझे आभास हुआ कि यह व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत, प्रॉफिट तो होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी दी जाती। अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको अपना तुच्छ सा परिचय देना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं को परिचय के लायक नहीं समझता। मैं एक मुस्लिम सुन्नी परिवार में हरिद्वार की पावन धर्म नगरी के शहर रुड़की में पैदा हुआ और हाई स्कूल पास करने के बाद मुकम्मल तौर से इस्लाम और भारत के सबसे कट्टर और सबसे ज़्यादा खतरनाक एक सेक्ट, एक फिरके तबलीगी जमात का सदस्य बना और तबलीगी जमात में कार्य करते हुए मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर और उनकी पुस्तकों को पढ़ने का जो कार्य शुरू किया। परंतु मेरी गलती ये थी कि मैंने बचपन से कुरान ना पढ़ करके पहले स्कूली शिक्षा ले ली थी जहां मेरे गुरुजनों ने मुझको बताया कि मानवता, इंसानियत, धर्म, कर्म, प्रेम, सौहार्द क्या चीज होती है, तो कुरानी शिक्षा मुझे नहीं भाई। यदि मैंने भी और व्यक्तियों की तरह सर्वप्रथम कुरानी शिक्षा ली होती, आज हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको साफ मालूम होता है कि साइंस के बारे में जितनी बातें इस आसमानी किताब में लिखी गई हैं और मेडिकल साइंस के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो किसी चुटकुले से ज़्यादा कुछ नहीं है। परंतु फिर भी अफसोस की बात है कि एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट जो कि इस पीसफुल कम्युनिटी से आता है और गलती से माँ बाप अच्छे मिल गए, थोड़ा पढ़ लिख लिया,
तो वो भी ये कहता है इस्लाम पे बात मत करना, इस्लाम पे बात मत करना, क्योंकि इस्लाम में अकल लगाना हराम है। इस्लाम में अकल लगाना हराम है। एक आलिम, एक स्कॉलर गुजरे हैं इस्लाम के, तला साहब, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस्लाम में लॉजिक हराम है। यदि किसी व्यक्ति ने तर्क शक्ति का इस्तेमाल इस्लाम में करना शुरू किया तो वो इर्तिदाद यानी एपोस्टेसी की तरफ चला गया, और यदि मानवता का या नेशन का कॉन्सेप्ट इस्लाम के ऊपर अप्लाई किया तो वो मुर्तद हो गया, क्योंकि दोनों चीजें नहीं है, न तर्क है ना कोई साइंटिफिक बात है ना कोई मेडिकल बात है, एक हवा हवाई किताब है जिसमें हवा हवाई किस्से हैं। एक आदमी, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें बताया गया कि अगर हम अपने ग्रेविटी का जो लेवल है अर्थ के ऊपर, उससे बाहर जब हम स्पेस में चले जाते हैं, तो अगर हमने एस्ट्रोनॉट सूट ना पहना हो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी स्वामी जी यति महाराज जी का और आप सभी का भी। ये है हमारी संस्कृति, जय जय हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। तो देवी सज्जनों मित्रों, मैं एक चर्चा कर रहा था कि साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप स्पेस के अंदर विदाउट एस्ट्रोनॉट सूट चले जाए ना तो आपकी बॉडी फट जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी लेवल है नहीं, तो आपकी बॉडी फट जाएगी। मैं सोचता हूं 1400 साल पहले एक व्यक्ति गधे पर बैठकर कैसे चला गया। यह है कुरानी साइंस। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, राउंड अर्थ। मुल्ला कहता है अर्थ इज फ्लैट, कुरान कहता है अर्थ इज फ्लैट। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं हमारी अर्थ रोटेट करती है। साइंस का स्टूडेंट था, गलती हो गई मुझसे, कुरान पढ़ने से पहले साइंस पढ़ ली। कुरान साइंस कहता है कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, अल्लाह कहता है मैंने इसमें पहाड़ किलो की तरह ठोक दिया ताकि हिले नहीं। ऐसी साइंस, साइंटिस्ट पढ़ता है इस साइंस को और कहता है इस्लाम पर बात नहीं करना। तो ये मेरा मुद्दा नहीं था, ये चंद एक बातें थी जो मैंने रख दी। असल मुद्दा मेरा जो है कि क्यों मैं एक्स मुस्लिम होने के बाद और फिर सनातनी बना, तो इसका केवल और केवल एकमात्र उत्तर है मानवता और जीव मात्र का कल्याण। जय। अगर मैं मानवता पे बात करूं, सनातन धर्म जो है
वो एक इतनी बड़ी शाखा है कि एक तो क्या, कई जीवन लगा करके भी आप सनातन धर्म को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य मात्र इतना सा है, वसुधैवाय कुटुंबकम। उद्देश्य मात्र इतना है, जीव मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र का भला हो, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका अच्छा हो। और सनातन धर्म है अहम ब्रह्मास्मि, किसी मोहम्मद की जरूरत नहीं हमें। हमें किसी मोहम्मद की जरूरत नहीं है, उस परम ब्रह्म को समझने के लिए हम उसी का अंश है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा यानी परम आत्मा, और एक आत्मा यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जीवन मृत्यु से परे, बार बार जन्मने वाली, तब तक जब तक के अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना कर ले। जिस दिन पूर्ण कर लेगी आत्मा अपने जीवन का उद्देश्य, उस दिन परमात्मा से मिल जाएगी। हमें किसी जन्नत की जरूरत नहीं है, हमें कोई 72 हुरे नहीं चाहिए जो कि बॉडी पर बॉम्ब बांधकर फटने से मिलती हो। केवल मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही सनातन का उद्देश्य है। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स बात करूं इस्लाम की, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत बारीकियों से मैंने पढ़ा और समझा, और तकरीबन अपने जीवन के 14 से 16 साल तक मैं तबलीगी जमात का हिस्सा रहा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि तबलीगी जमात में जो 10-12 लोगों की एक टीम होती है, उनके ऊपर एक उनका अमीर होता है, जिसको बोलते हैं वो कमांडर। मैं 4-4 माह की 2 जमातों का कमांडर था, और मैंने अपने जीवन में 11 बार 40 दिन करके तबलीगी जमात में लगाए, और 3 बार 4 माह लगाए, यानी कि 4 मंथ 1 टाइम में 3 बार। जी आपने बिल्कुल सही बात कही, ये आप कह सकते हैं मैंने जाया कर दिया। मैं कहता हूं मैंने सक्सेसफुल बनाया, तभी तो इनकी जड़ें खोद रहा हूं। यदि मैंने ये ना लगाया होता तो मैं आज आपको बता नहीं पाता कि अंतर क्या है। हाँ जी, मैं ये अच्छा प्रश्न है, इसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। तो अभी बात जो है मैं मानवता की कर रहा था, तो यदि इस्लाम में आप मानवता ढूंढेंगे, 6663 आयते कुरान के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दे जो मानवता की बात करती हो। एक सिंगल 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते हैं ना, इंसान इज इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं, तो किधर से मजहब है भाईचारे का? केवल एक आयत सिंगल आपको मिलेगी, सूरह अल माईदा की आयत नंबर 32। और बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया का हर एक इस्लामी स्कॉलर इसको कोट करते हुए ये कहता है कि देखो यहां इंसानियत की बात हो रही है, पर जब आप उस आयत के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि उसकी डेप्थ को वो समझ सकता है जिसने अरबी को अंदर तक समझा हो और कुरान को अच्छी तरीके से समझा हो, तो वो आयत भी एक्चुअली इंसानियत के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। वो आयत है मन अजला जालिका कतबना अला बनी इसराइल मन कतना नफसिम बिगैरी अव फसादिम फिल अर्ज, कि अगर किसी ने भी किसी एक इंसान को कत्ल किया 2 गुनाहों के अलावा,
यानी अगर दो गुना करता है तो उसमें वो नहीं आएगा। किसी ने भी अगर किसी इंसान को कत्ल किया दो गुनाहों के अलावा, तो वो ऐसा जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया हो। वो दो गुनाह हैं कि या तो किसी का कत्ल किया हो उसने, बदले में कसास के तौर पर उसको मारा जा रहा हो, या फसाद फिल अर्ज करता हो, यानी कि जमीन में फसाद फैलाता हो, जमीन में फसाद फैलाता हो। और आपको पता है कुरान के मुताबिक जमीन में सबसे बड़ा फसाद क्या है? तो जो कुफर है अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, यह जमीन का सबसे बड़ा फसाद है। तो अगर किसी कुफर करने वाले को मारोगे तो इंसानियत का कत्ल नहीं किया तुमने, यानी मुसलमानों के लिए ये भी मुसलमानों के। भाई मुशरिक कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे वो मुशरिक, और जो अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह की बात को ना माने, मोहम्मद को ना माने, वो काफिर। और जिसने कुफर किया और जिसने शिर्क किया उसने जमीन में फसाद फैलाया, तो लिहाजा उसको मारा तो इंसानियत का कत्ल नहीं है। केवल जो शिर्क ना करता हो और जो कुफर ना करता हो उसको मारा तो इंसानियत का कत्ल है। वो कौन है जो शिर्क नहीं करता? तो ये आयत भी एक ले दे के थीन के पास, वो भी खत्म। जी मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं, उन्होंने पूछा था मुझसे प्रश्न के तबलीगी जमात में क्या करते थे, आपका भी प्रश्न मैं ले लूंगा दोनों। अच्छा, ये इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस आयत के अंदर कि इसमें शुरू में ही कहा, इसमें एक्चुअली ये नहीं बताया जा रहा कि तुमने ऐसा करना। इसमें ये जो कुरानी अल्लाह है ये पिछली किसी किताब में कही हुई बात का प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने ये क्यों कह दिया। क्योंकि जब बात शुरू होती है तब ये कहा जाता है मन अजला जालिका कतबना अला बनी इसराइल, के इसलिए हमने बनी इसराइल को कहा था, मोहम्मदियों को नहीं कहा था, मुसलमानों को नहीं कहा, यहूदियों को कहा था कि अगर तुमने किसी एक को मारा तो पूरे इंसानियत को मारा, अगर वो जमीन में फसाद ना फैलाता हो। तो उसका पश्चाताप करते हुए अब 33 में जब आ जाता है, 5 की जब 33 में आता है तब कहता है, और युहारी बून का लफ्ज इस्तेमाल करता है। पूरी आयत में आपको पढ़ के बताता हूं, मेरे माइंड से निकल गई, सॉरी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या कह रहा है। एक्चुअली इसमें 32 के ठीक बाद 33 आती है, और 33 में ये 32 की गलती को सुधार करके ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा था परंतु अब आपको 33 को फॉलो करना है। इसमें कह रहा है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फसादिन अन युसल्लबु अन तुक़त्ता अयदीहिम, यानी के और यही है सजा उन लोगों की जो अल्लाह और मोहम्मद के साथ हर्ब करते हैं कि उनको मार दिया जाए, उनको सूली चढ़ा दिया जाए, उनके हाथ पांव अलग अलग साइड में काट दिए जाएं, यानी दायां हाथ काटा तो बायां पांव काटो और बायां हाथ काटा तो दायां पांव काटो, अलग अलग दिशाओं में उनके हाथ पांव काट दिए जाएं या उनको देश से निकाल दिया जाए, दरबदर कर दिया जाए। ए मोहम्मदियो तुमको यह फॉलो करना है, बनी इसराइल की गलती मैंने सुधार ली। यह है इस्लाम का पीस। जो भी दुनिया में यह कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पर मेरे से डिबेट कर ले, अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी टुकड़े टुकड़े गैंग, तो मित्रों सर्वप्रथम बात यह है कि जब ये पीसफुल
कम्युनिटी, पीस नहीं, पीस, पीसफुल कम्युनिटी भारत में हमारे आक्रांताओं के रूप में आई और इन्होंने आक्रमण किए, तो इन्होंने पूरा पूरा पीस दिखाया। इतने पीसफुल थे कि मैं हरिद्वार नगरी का रहने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर बाबा जी तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग जो था वो उसने वहां पर हमला किया था और हमारे हरिद्वार की जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर आज भी वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लिखी हुई। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में, और जो बचे थे वो डर करके इस्लाम कबूल कर लिए थे। मेरे अपने एंसेस्टर भी उन डरपोकों में से एक थे। जो तलवार के डर से इस्लाम को कबूल किए, मेरे अपने एंसेस्टर भी उनमें से एक थे। मैं केवल इस मंच के माध्यम से मेरा यह संदेश देना चाहता हूं। यदि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से नफरत नहीं करता, मुझे उनसे हेट नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से नफरत नहीं करता बल्कि उनसे प्रेम करता हूं। मुझे नफरत है इस अरबी आइडियोलॉजी से जिसने हमारे अपनों को अपना दुश्मन बना दिया, क्योंकि यह आइडियोलॉजी कहती है कि जो इस कुरान के अंदर लिखी हुई बात को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा और वो जहन्नम में जाएगा। वो जो एक मुसलमान है जो पीस से रहना चाहता है उसको ये कहती है कि अपने बाबा माँ बाप को, अपने भाई बहनों को भी अपना दोस्त मत बनाओ अगर वो इस्लाम को छोड़ करके किसी और बिलीफ को माने। ये खून के रिश्तों को काटने वाली आइडियोलॉजी है ये किताब। ये खून के रिश्तों को काटने वाली किताब है जो माँ बाप और भाई बहन के पावन रिश्ते को भी काट डालती है। कहती है कि उसको भी मोहब्बत मत करो, उससे भी प्यार मत करो अगर वो तुम्हारे इस्लाम के अलावा कोई और बिलीफ अख्तियार करता हो। यही कारण है कि ये हमारे अपने भारतीय अखंड भारत का हिस्सा, ये पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या फिर ये नेपाली हो या भारतीय हो, ये सब अखंड भारत का हिस्सा है। ये सब हमारे अपने इस कट्टर आइडियोलॉजी की वजह से हमारे अपने दुश्मन बन गए हैं। हम बाकायदा यूट्यूब के ऊपर मूवमेंट चलाते हैं अपनी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम से। मेरा अपना खुद का चैनल है एक्स मुस्लिम समीर के नाम से, जहां मैं डिबेट करता हूं। 240 डिबेट कर चुका हूं आज तक यूट्यूब पर 240 मुल्लाओं के साथ। आज तक एक भी टॉपिक में कोई मुल्ला मुझे हरा नहीं पाया। और टीवी चैनल्स जितने भी हैं, न्यूज नेशन हो, इंडिया टीवी हो, सब जगह जाकर के हमने जो है इन मुल्लाओं के छक्के छुड़ाए हैं। वो इसलिए क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ नहीं चलता, सच के सामने झूठ नहीं टिक सकता, तो ये लिहाजा हमारे सामने टिकते नहीं है और भाग जाते हैं। तो मैं इन सारे अपने भाइयों को इस मंच से आह्वान करता हूं कि हम सबके एंसेस्टर जो थे वो यहीं से निकले हैं जहां आज आपको बुलाया जा रहा है। लिहाजा आप इस पर गौर करें कि आपको ये पीस पीस वाली आइडियोलॉजी चाहिए या आपको ये वसुधैवाय कुटुंबकम वाली आइडियोलॉजी का धर्म चाहिए। केवल दुनिया में अगर कहीं पूरी मानव जाति की और पूरी मानव जाति के कल्याण की बात होती है वो केवल और केवल सनातन धर्म है, इसके अलावा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, और मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सभी समिति को,
और माननीय तुफैल दादा को और स्वामी जी को और सभी मौजूद यहाँ पर व्यक्तियों को बहुत बहुत आभार कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बात रखने का और बोलने का मौका दिया।